सब सब बैठ गए। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय युष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवी प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्पृहदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूं। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बल बरसाने वाली सनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न की थी। उसमें जो दूसरी प्रश्न थी, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इसलिए श्री सुतो गोस्वामी ने कहा कलयुग में सबसे सरल उपाय है ठाकुर जी की नाम कीर्तन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कोई भगवान की नाम कीर्तन करे तो उसको 8 लाभ मिलेगा। बोले पहला लाभ क्या है, बोले चेत और दर्पण मार्जन। कहते हमारा हृदय को उदाहरण दिया जैसे एक शीशा है, लेकिन अभी जन्म जन्मांतर का उसको ऊपर में मैला जमा हुआ है। अगर कपड़े में मैला हो उसको हम साबुन सर्फ में साफ कर देते हैं, लेकिन हमारा दिल में जो मैला बड़ा हुआ उसको कैसे साफ करेंगे। बोले वो साफ ठाकुर जी की कीर्तन से होता है। जो जितने ठाकुर जी के नाम जप करेंगे उतना ही हमारे हृदय रूपी जो शीशा है वो साफ हो जाएगा, फिर तो हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। कहते कीर्तन करने का ये पहला लाभ है। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले भव महातावाग्नि निर्वापणम। हम जो जन्म जन्मांतर से ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं संसार में, ये जो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं ये दुख कष्ट कैसे समाप्ति होगी, बोले भगवान के नाम कीर्तन से। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। उदाहरण दिया हमारा हृदय एक फूल जैसे, रात को एक फूल खिलता है जिसको कुमुदिनी कहते हैं, वो चंद्रमा का किरण से ही फूल खिलती है। कहते भगवान का नाम क्या, बोले ये चंद्रमा का किरण जैसे हमारा हृदय कैसे और एक कुमुदिनी फूल जैसे, अगर भगवान की नाम रूपी रश्मि अगर इसको ऊपर में गिरे ना, हमारा हृदय रूपी जो कुमुदिनी वो खिल जाएगी, मतलब हम आनंद में सराबर हो जाएंगे। बोले विद्या बधु जीवनम। कहती है विद्या को उदाहरण दिया एक बधु बहु है, लेकिन इसका जीवन स्वरूप क्या, बोले भगवान का नाम है। मतलब है अगर हमने बहुत लिखा बड़ा सीखे हैं, कोई MA PhD डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई, बोले तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई सब बेकार है, ये कोई काम की नहीं, ये कोई काम की नहीं। क्योंकि जब ये शरीर छूटेगा ना, सबके सब एक ही बात बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात उठाए। उस समय सारे PhD डिलीटी जितने इंजीनियर डॉक्टर बने सब विद्या यही रह जाएगी, बोले आगे क्या चलेगा, बोले प्रभु का नाम ही जाएगा। इसका मतलब है मीरा कहती है प्रेम 2.5 अक्षर पढ़ा सो पंडित सो। जो प्रेम 2.5 अक्षर जिसने पढ़ लिया वो जगत में सबसे बड़ा पंडित हो ही है। इसलिए विद्या का जीवन क्या है, बोले भगवान की नाम है। बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम बोले आनंदाम बुद्धि वर्धनम। पंचम लाभ क्या, बोले हर समय एक आपको नई 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 आनंद की अनुभूति होगी।
लेकिन इसी जगत में कोई भी चीज को देखो, कोई भी संसार में चीज को देखो, जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आ गई, एक बार देख लिया बोले कैसे बहुत बढ़िया है, दो बार देख लिया कैसे बोला अच्छा है, तीसरा बार देख लिया बोले हाँ अच्छा है, बोले चौथा बार और नहीं जा सकते, और हम देख नहीं सकते। हर चीज का आनंद धीरे 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 घटते आती है। एक रसगुल्ला खाओ बोले कैसे, बोले बहुत बढ़िया, दूसरा खा लो बोले कैसे, बोले अच्छा है, तीसरा खा लो अच्छा है, चौथा बोले और नहीं, अगर खा भी लिया ना और एक दे दो बोले उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसलिए इसी जगत में कोई भी आनंद लो, पहले पत्नी कैसे लगती है बोले ये चंद्रमुखी है, बाद में सूरजमुखी, उसके बाद में फिर ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई आपस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। जगत में कोई भी चीज को ले लो, धीरे 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 आनंद तुमको घटने लगेगा, वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए संत कहते हैं पहले ये प्रेम शुरू होता है आई लव यू, उसको बाद में आई लीव यू, बाद में होता है आई किल यू। ये जगत में हर चीज यही सही है, क्योंकि इसका नाम संसार है। लेकिन भगवान के नाम कैसे है, बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जितने तुम डूब सकते हो भक्ति में उतना डूब जाओ, उतना आनंद है भगवान की भक्ति में, उतना रस है। इसलिए संत लोगों को देखना, भगवान का जो नाम है ना, हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे संत हैं जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते, 3-3 लाख दिन भर बैठ करके भगवान के नाम में एकदम डूब जाते हैं, उसमें कभी अरुचि नहीं आती। क्यों? भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए बोले आनंदा बुद्धि वर्धनम, बोले प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादन, भगवान का नाम जप करने से प्रति पल पल में आपको एक नई 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 आनंद की अनुभूति होगी, और एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण प्रभु की भक्ति रस में डूब जाओगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान की जो नाम है जो संकीर्तन की जय जयकार हो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री राधेश्याम। बोले वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम् जज ज्ञानं मत्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दते। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, भगवान एक है, भगवान एक है। देखो ये बात को ना थोड़ा ध्यान देकर सुनो, आज शाम को जब क्लास बैठेगा मैं सबको पूछूंगा आपने क्या समझा, अभी एक मन से सुनो। यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात को समझा रहे हैं, वो एक ही भगवान है, लेकिन एक भगवान होने पर भी उनके 3 तरह के भक्त है और उनका 3 रूप है। कहते तो उनका एक रूप क्या है, बोले कि ब्रह्म रूप है, जिसको ज्ञानी लोग कहते तो भगवान कैसे हैं, बोलो तो निराकार है, वो निर्विशेष है, वो तो ज्योति स्वरूप है, उनका तो कोई रूप नहीं, कोई उनका गुण नहीं। और तुम क्या चाहते हो, बोले एक दिन वो जो ब्रह्म ज्योति में अपनी आप को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दे। कहते ये एक भक्त है, इनको क्या कहते हैं, बोले ये ज्ञानी। दूसरे भक्त क्या है, बोले योगी। ये योगियों का फिलोसफी क्या है, बोले भगवान परमात्मा जो अंगुष्ठ परिमाण रूप में, जिसको योगी लोग अपना हृदय में वो चतुर्भुज जो रूप है परमात्मा का रूप, उसको हृदय में वो ध्यान करते हैं, कभी ये योगी है। कभी भक्त क्या करते हैं, तीसरा भक्त उनका जो भक्त भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान कैसे हैं, बोले भगवान हमारे बांके बिहारी, भगवान हमारे राम है, भगवान हमारे नारायण है, भगवान जो कि कन्हैया वृंदावन में मीठी 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 बंसरी बजाते हैं, राधा रानी उन बाम पार्श्व में, और भगवान राम धनुष धारण किए, बाम पार्श्व में उनका सीता है, डान पार्श्व में श्री लक्ष्मण लाल है, और चरण में श्री हनुमान जी
हाथ जोड़ करके बैठे हुए, और हमारे भगवान कैसे नारायण है जिनके बाम पार्श्व में मां लक्ष्मी। हाँ देखो अभी ध्यान देकर सुनो, अगर इतनी सी बात अगर आप समझ गई ना, समझना है कि बहुत बड़ी बात समझ गई, फिर आपका मन कोई एक चीज में लगेगी, नहीं तो हमारी जो मन है ना वो भटकता रहेगा, कभी निराकार में जाओगे, कभी योग में जाओगे, कभी भोग में जाओगे। हाँ ये चीज को समझो, सुत गोस्वामी ये चीज समझाना चाहते हैं, वो एक ही भगवान है लेकिन एक भगवान होने पर उनका तीन रूप है और उनका तीन भक्त है। प्रश्न यहाँ आता है, क्या ये सबके सब बराबर ना, ये सबके सब अलग है, ये चीज को समझो। एक उदाहरण देकर के समझा है, जैसे आम का सीजन है, बड़े सुंदर दशहरा चौसा आम मार्केट में आया, एक राजा ने उनका सेवक को बोला भैया देख करके आओ, तो हमने सुना बड़े सुंदर आम आया मार्केट में, देख करके आओ। उसने जाकर के देखा, सचमुच से पीले पीले रंग के बड़े सुंदर दशहरा और चौसा आम बिक रहा। उसने देख करके आ गया, राजा ने पूछा तुमने क्या देखा है, बोले महाराज बड़े सुंदर दशहरा चौसा आम बिक रहा, हमने देख करके आया है। राजा दूसरे व्यक्ति को भेजा, बोले भैया तुम देख करके आओ, वो भी गया, वो देखा बड़े सुंदर सुंदर आम बिक रहा है पीले पीले रंग के, उसने देखा, ये तो केवल दूर से देख करके आ गया था, वो पास में गया और उसको स्पर्श किया तो देखा ये पका हुआ है और सूंघा तो बड़ी खुशबू है, वो वापस आ गया। राजा पूछा भैया तुमने कैसे आम देखे हो, बोले महाराज एकदम पक्का हुआ आम मैंने देखा, सूंघा बिना बड़ा खुशबू है। राजा तीसरे सेवक को भेजा, बोले भैया तुम देख करके आओ, तीसरा सेवक भी गया, देखा बड़े सुंदर पीले पीले रंग किया, उसको भी स्पर्श किया पक्का हुआ सूंघा बड़ा खुशबू, बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम खरीद करके लाया, पानी में अच्छे तरह से भिगवाया और उसको अमुनिया करके भगवान बांके बिहारी को तुलसी दल से भोग लगवाया, और जो वो आम खाया ना तो बड़ा मीठो आम है। महाराज ने पूछा भैया आम कैसे, बोले महाराज बड़ा सुंदर मीठा आम है। हाँ देखो ये चीज को समझो, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, ये तीनों व्यक्ति को आम मिला, मिला कि नहीं मिला, लेकिन मिलने पर क्या सबको बराबर मिला है, सबको बराबर मिला क्या, नहीं। पहला जो व्यक्ति गया था केवल देख करके वापस आ गया, कैसे जय जय श्री राधे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जोगिनांग मपी सर्वेशा मत गतनांतरात्मना श्रद्धावान भजत जो माम समी युक्त तम मता। कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले हे अर्जुन जोगी नाम अपी, जितने जोगियों में भी हैं सर्वेशांग मत गतनांतरात्मना, ये जोगियों में भी जो लोग मेरे को प्रेम पूर्वक मेरे को भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ये मेरे मत है। कृष्ण कह रहे हैं ये मेरे मत है, क्योंकि भक्त ही सर्वपरि। इसलिए श्री सूरदास जी बड़ा सुंदर के भजन गाया है, हाँ, अभी प्रभु जी आपको सुनाएंगे सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम प्रभु एक भजन गाएगा, भजन को सुनो सुरदास जी क्या करता। सबसे ऊंची प्रेम सगर, सबसे ऊंची प्रेम सगर, सबसे ऊंची प्रेम सगर, सबसे सबसे ओ ची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जगत में बहुत तरह का बंधन है, ज्ञान का बंधन है, योग का बंधन है, कर्म का बंधन है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी बंधन है? प्रेम की बंधन। सारा दुनिया प्रेम चाहता है, अगर प्रेम नहीं हो ना सब बेकार है।
हैं, दुनिया प्रेम चाहते हैं। इसलिए सूरदास जी एक एक उदाहरण देते हैं, भगवान हमारे कृष्ण राम प्रेम में बसीभूत होकर क्या नहीं किया उन्होंने। और जो निराकार निर्विशेष होगा वो क्या प्रेम करेगा, जिसका रूप नहीं, जिसका गुण नहीं, जिसका लीला ही नहीं, वो प्रेम क्या कर सकता है, वो प्रेम कभी कर नहीं सकता है। जिसका रूप है वही प्रेम कर सकता है। देखो कन्हैया क्या किए, भगवान कौन है, कृष्णा भगवान है, लेकिन भगवान होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले भगवान होकर के अर्जुन का प्रभु ने सारथी का काम किया है, ये सारथी का काम किया है। भगवान होकर के भगवान राम जब सबरी को पास में आए, इतने बाबरी उसने बन गई, प्रभु का हम कैसे सेवा करें, कहां पर बैठाए, और प्रभु को आसन दे करके खूब तो चख रही थी मीठा ना खट्टा, और जो मीठा मीठा बेर को प्रभु को खिला रही थी, और भगवान खा करके इतने खुश हो रहे थे, बोले सबरी तेरे झूठे बेर में जो आनंद आया है, मेरे को गोलोक वृंदा वैकुंठ में मेरी रानियां बड़ी बड़ी सेवा करती हैं, छापान भोग लगाते हैं, लेकिन उसी में भी वो आनंद नहीं आता है, तेरी झूठे बेर में जो आनंद आया। भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के जब राज यज्ञ हो रहा था, सबके सब बड़े बड़े सेवा तो छांट लिया, अभी जो दो सबसे घटिया सेवा को कौन करेगा, खाने का बाद झूठा पतल कौन उठाएगा, और सब ब्राह्मण का जुती कौन संभालेगा, ये दो सेवा कौन लेगा। कृष्ण बोले ये दो सेवा मैं करूंगा, ये दो सेवा मेरे को दे दो, मेरे को पता है ये दो सेवा कोई करेगा नहीं, मैं पहले ही छांट लिया, ये दो सेवा मैं करूंगा। भगवान प्रेम का बसीभूत होकर के ठाकुर जी उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने कहते भगवान विदुर जी को घर में गए, दुर्योधन ने छापान भोग और 36 व्यंजन बना करके रखा था, भगवान को खिला करके अपना बसीभूत कर लूंगा, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किए। भगवान कहां गए, विदुर जी को घर में गए, उस समय विदुर जी थे नहीं, घर में विदुराणी थी, अभी प्रभु को कहां बैठाए और क्या खिलाए। देखा घर में केले, और विदुराणी केले ला करके केले का छिलका खिला रही थी और केले फेंक रहे, इतने में विदुर जी आए, बोले बाबरी क्या कर रहे हो, भगवान के केले का छिलका खिला रहे हो, लेकिन भगवान बड़े खुश होकर खा रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर खा रहे थे। जब उसको ध्यान आया, इतने में ठाकुर जी को केला खिलाना शुरू किया, कृष्ण कहते विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ और केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ। पहले केले के छिलके में जो आनंद आ रहा था ना, अभी वो केले में वो स्वाद नहीं आ रहा। देखो देखो उन्होंने बोले बहुविध नाच नचाई, कभी कभी गोपियां कहती थी बोले कन्हैया थोड़ी सी नाच करके दिखाओगे ना, तेरे को मक्खन छांच खिलाएंगे। ब्रज गोपियों को प्रेम में बसीभूत होकर के भगवान ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी नृत्य करते थे। ठाकुर जी केवल छांच की लोभ से, हाँ देखो लास्ट जो उदाहरण दिया ना, सबसे गजब का उदाहरण दिया है। कहते दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हर नाई, इसका रोज काम था दुर्योधन को शरीर में तेल लगाना और उसको स्नान कराना। जिस समय वो दुर्योधन की सेवा में जाएगा, ठीक उसी समय में घर में कुछ संत लोग आ गए, लेकिन वो बड़ा संत से भी था, घर में कोई भगत आ गई ना, संतों की खूब सेवा करता था। अभी उसने दुविधा में पड़ गया, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अगर संत सेवा करता हूं तो फिर ये नौकरी जाएगी, दुर्योधन दुष्ट है, अगर टाइम में नहीं जाओ ना, हो सकता है ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, नहीं तो मेरे को कोई दंड देगा। लेकिन घर में संत लोग आए, और संतों का हृदय में ठाकुर जी का निवास है। भगवान खुद कहते हैं अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, मेरे भक्तों को खुश कर दो, क्योंकि भक्तों का हृदय में ही मैं निवास करता हूं, अगर भक्त खुश हो गए तो मैं अपनी आप प्रसन्न हो जाता हूं। अभी सोचा क्या करनी चाहिए, बोले ये दुष्ट का सेवा तो जिंदगी भर करता हूं, लेकिन इस संतो सेवा सहज में नहीं मिलती है, जो होगा बाद में दिखा जाएगा, लेकिन आज मैं संत सेवा करता हूं। घर में बढ़िया बढ़िया उन्होंने साग सब्जी और रोटी सब
चावल बनाए, ठाकुर को भोग लगाए और संतों की सेवा की। देखो उधर क्या हुआ। अभी भगवान कृष्ण तो चिंता में पड़ गए, ये तो संतों की सेवा कर रहा है, संतों का हृदय में बैठा हूं, दुर्योधन तो दुष्ट है, अगर ये टाइम पर नहीं आएगा तो उसको कोई दंड दे सकता, नहीं तो नौकर से निकाल सकता है। कृष्ण स्वयं हर नायिका रूप धारण करके दुर्योधन घर में पहुंच गए और उसको शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। कौन तेल लगा रहे हैं, कौन तेल लगा रहे थे? ठाकुर जी। भगवान कौन है? वो आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। जब भगवान उसको शरीर में तेल लगा रहे थे ना, उसका तो रोम रोम खिल रहा था, उसका हृदय प्रेम में गदगद हो रहा था, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी। दुर्योधन ने कहा, तेरे हाथ में क्या कोई जादू है ना क्या? तू शरीर को स्पर्श करते ही पता नहीं मेरा हृदय इतने आनंद में है, इतने आनंद क्यों आ रहा है, आंखों से आंसू की झरी क्यों बह रहा है, क्या तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या? जादू तो है ही, भगवान है ना, ठाकुर जी है। आज वो इतना प्रसन्न हो गया, बोले हर नाई आज मुझे इतने आनंद की प्राप्ति हुई, जीवन में मुझे कभी ऐसे आनंद नहीं मिला। दुर्योधन ने क्या क्या, गले में उसका एक गजमती हार था, उसने निकाल करके उसको दे दिया, बोले आज तेरे को मैं उपहार दे रहा हूं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद मिला। लेकिन ये पहनाया तो कृष्ण को गले में, वो कृष्ण स्वयं थे, लेकिन वो हार अपने आप आ गया हर नाई की गला में। हर नाई ने संतों को भजन करवाया, उनको प्रणाम दिया, दे करके जब आ रहा था ना, वो बड़ा डरते हुए आ रहा था, पता नहीं ये दुष्ट मुझे कोई दंड देगा, नहीं तो हो सकता नौकरी से मुझे निकाल देगा। लेकिन जब हर नाई आया, दुर्योधन को प्रणाम की, बोले देखो आज घर में कुछ साधु संत आ गए थे, इसलिए मैं टाइम से नहीं आ पाया, मेरे अपराध को माफ कर देना। बोले क्यों? आज तुमने इतने सेवा की, जीवन में मुझे इतने आनंद की कभी प्राप्ति नहीं हुई। बोले नहीं नहीं, मैं टाइम से नहीं आ पाया, मेरी गलती हो गई। लेकिन उसको पता नहीं गले में वो हार पड़ा हुआ। दुर्योधन ने कहा, ओ इसलिए तू ऐंठ रहे हो, मैंने तेरे को आज इतनी कीमती हार दे दिया ना, इसलिए तू ऐंठ रहे हो। दुर्योधन ने क्या किया, उसको गले को हार को पकड़ा और छीन लिया। जब छीन लिया, हरनाय ने देखा, भैया मेरे गले में हार कहां से आ गई, मेरे घर में तो कोई हार पार थी नहीं, वो तो संत है ना, साधु है, वो समझदार है। बोले ओ आज मैंने संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी स्वयं मेरे रूप धारण करते हुए इसके घर में आए और इसकी सेवा की है, इसलिए ये कह रहा है आज तूने इतने सेवा की, आज मेरे को इतने आनंद हुई, तभी तो ये हार दिया। ओ आज मेरे प्रभु स्वयं मेरे रूप धारण करते हुए दुष्ट की सेवा की, आज से ये दुष्ट की और सेवा नहीं करना, आज मेरे प्रभु को इसकी दुष्ट की सेवा करना पड़ गया। इसलिए सूरदास कहते हैं, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। इसलिए ये चीज को आप समझ लो, सबसे ऊंची क्या है? प्रेम। सबसे ऊंची क्या है? प्रेम है। इसलिए भक्ति किसको करनी चाहिए? निराकार नहीं, जिसका आकार नहीं, जिसका रूप नहीं, जिसका गुण नहीं, वो प्रेम क्या करेगा, वो हमें क्या बचाएगा? जिसका रूप वही कर सकता है ना। इसलिए भगवान को निराकार नहीं बोलनी चाहिए, भगवान को ब्रह्म ज्योति नहीं बोलनी चाहिए। हमारा जो भगवान कौन है, हमारा प्रभु कृष्ण कन्हैया है, भगवान राम हमारा भगवान है, भगवान हमारे नारायण हमारा भगवान है ना, वो निराकार नहीं, वो साकार है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्।
ऐसे जो भगवान श्री बांके बिहारी कृष्ण कन्या कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब इसी जगत में धर्म की हानि होने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी साधु वेद इनके ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के मैंने वेद धर्म गो ब्राह्मण को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए भागवत में 26 अवतार का कथा भागवत में आई है। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान चतुसन रूप में आए, ये ब्रह्मा का मानस पुत्र है, सनक सनातन सनदन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है। इन लोगों ने क्या कि इन लोगों ने भगवान की भजन में ही अपना जीवन को बिताया। जब इनकी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी बोले बच्चों भगवान का निर्देश है संसार को बढ़ाओ, बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, ये बड़ा दुखमय, हम तो चाहते भगवान की भक्ति में मस्त रहे। तो ब्रह्मा जी बिगड़ गए, बोले भक्ति में मस्त रहे, ठाकुर का आदेश है संसार बढ़ाओ और सृष्टि का पहला तुम हो, कह रहे हो संसार घर गृहस्थ नहीं करोगे, हम तुमको अभिशाप देता हूँ घर गृहस्थ नहीं करोगे ना, बोले नहीं, बोले जैसे अभी जन्म हुआ ना जिस उम्र में, जिंदगी भर इसी उम्र में रहो, वो खुश हो। अब चतुसन को देखना, वो 5 साल के, इससे कभी ये बड़े नहीं होते हैं, हर समय नंगे रहते हैं और बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, वो जहां जाते हैं भगवान की भक्ति के उपदेश देते हैं। बोले भैया बहुत अच्छा हो गया, पिताजी ने कहा कभी बड़े नहीं बनोगे, सब छोटे रहोगे। देखो अब संसार में देखना, संसार का जितने झामला जितने गड़बड़ी किसको ऊपर, बड़े को ऊपर, छोटे लोग को ऊपर कोई चिंता है, बच्चे मस्त से खेलते रहते हैं, उनको चिंता ही नहीं, खाओ पियो पढ़ाई कर मस्त रहो। बोले भैया बढ़िया ही हो गया, कभी बड़े ही नहीं होंगे तो कभी संसार का बोझ हमारे सर पर नहीं आएगा, हर समय प्रभु की भक्ति में मस्त रहेंगे। भगवान का जो दूसरा अवतार है, भगवान श्री वराह रूप में आए। जिस समय भगवान मनु महाराज की जो दो संतान हुई मनु और शतरूपा, जब ब्रह्मा जी बोले संसार का क्रम बढ़ाओ, बोले हम बढ़ाए कहां, ये पृथ्वी है ही नहीं, ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तब ब्रह्मा जी ने छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कौन है, श्री भगवान श्री वराह देव है। बोले श्री वराह भगवान की, तब उन्होंने पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को उतल न करके अपना धूरी पर स्थापन की। अरे मनु महाराज ने दधि स्मृति नामक एक राज्य को स्थापन करते हुए आगे उन्होंने सृष्टि का क्रम बढ़ाए। ये भगवान की ये दूसरा अवतार है। कहते भगवान की तीसरा अवतार कौन है, बोले श्री नारद बाबा। आप सब जानते हो श्री नारद जी को, नारद जी को जानते हैं ना, हाँ। लेकिन जगत में ना नारद जी का बड़ा बदनाम है, हम कहते हैं ना तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या झगड़ा लगा रहे हो संसार में। लेकिन ऐसे नहीं, इनका नाम है नारद। नारद मतलब क्या, नारद जो रद्दी कभी नहीं होते हैं, हर समय जिनका जीवन सक्सेसफुल लाइफ है, और नर मतलब होता है रस है, और द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान है, सबको जो ज्ञान की वितरण करते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है कटना। अगर नारद जी का संग किसका हो गया ना, बेड़ा पार हो जाता है, और इनकी कृपा से ही ये भागवत बोलो रामायण बोलो जो कुछ देखो, श्री नारद जी के बगैर कुछ नहीं हुआ, सारे लीला का मूल श्री नारद जी है, हैं? इसलिए विशेष करके श्री नारद जी के 4 चेले हुए हैं। कितने चेले हुए, 4 चेले हुए हैं, 2 बालक और 2 वृद्ध। तो बालक में कौन कौन है, एक ध्रुव है और एक प्रह्लाद है, जिसका कथा आगे सुनेंगे। ये 5 साल उम्र में ही इन्होंने
भगवत प्राप्ति इनकी हुई, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जनामा जनामा मोनि जत न कराए, जनामा जनामा मोनि जत न कराए, जनामा जनामा मोनि जत न कराए, जनामा जनामा मोनि जत न कराए। कहते जन्म जन्मांतर जत्न करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, तब भी अंतिम समय में भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन देखो ध्रुव प्रहलाद को, ध्रुव महाराज ने 6 महीना में ठाकुर का दर्शन पाया। अल प्रहलाद हम कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान, उनकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। कहते ये चीज को किसने स्थापन किया, बोले ध्रुव प्रहलाद महाराज। जब उसको पिता ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले पिताजी ये बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ। बोले ये खंभे में क्या है, बोले हाँ मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ, तेरे को बाद में दिखाऊंगा। इतने में हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टि का घात मारे पिलर में और पिलर फट गया और साक्षात श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, इसलिए उन्होंने 5 साल उम्र में प्रभु का दर्शन की। और 2 चेले इनके हुए, 2 वृद्धा हुए, 2 बालक और 2 वृद्धा। बोले 2 वृद्धा में कौन कौन, एक वाल्मीकि और एक व्यास। वाल्मीकि ये पहले दसु रत्नाकर था, चोरी डकैत हर तरह का पाप कर्म करता था। जब श्री नारद जी से भेंट हुई तब बोले बाबा निकालो क्या पास में, निकालो पास में। बोले हम संत हैं, हमारा पास वो लोटे सोटे लंगूटे यही 3 चीज और कुछ है नहीं। नारद जी बोले ये बताओ तुम जो ये पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो इसका भागीदार कौन बनेगा। बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले देखो ये सबके सब तेरे सुख में मदद कर रहे, दुख में कोई भी तेरे को मदद करने वाले नहीं। चाह पूछ कर क्या घर में गया, पत्नी से पूछा बोले ये बताओ मैं जो ये पाप कर्म करके पैसा कमा रहा हूं तुम इसमें अंशीदार बनोगे कि नहीं। बोले क्यों, मेरी काम अंदर का तुम्हारी काम बाहर का, मेरे कुछ बता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। बोले बाबा तो सही बता रहे थे। पिता माता को पूछे ये पाप का अंशीदार तुम बनोगे कि नहीं। बोले क्यों, तेरे को जन्म दिया, लिखाया, पढ़ाया, इतना बड़ा क्यों किया, हमें पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा भैया हम क्यों लेंगे, हम तभी बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है हमको लिखा पढ़ा करके बड़ा बनाना, जब हम बड़े बन जाएंगे फिर पैसा हम कैसे कमाएंगे फिर देखेंगे, भैया हम भी लेने के लिए राजी नहीं। उसने देखा नारद तो सही बता रहे थे, फिर नारद जी को पास में आए, बोले बाबा आप सही बता रहे थे, मैंने तो बड़ी गंदा काम करके पैसा कमाया, बताओ अभी मेरा कल्याण कैसे होगा, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री नारद जी बोले बोलो राम, आप लोग बोलिए राम, बोलो राम। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था उसको मुंह में भगवान का नाम ही नहीं निकला, क्यों, कारण है जो पापी लोग है ना उनका मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलती, जो पुण्यात्मा है। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ मेरे नाम को कौन ले सकता है।
कहते जो पूर्व जन्म में चार काम किया वही लेगा। क्या क्या चार काम है ध्यान दे कृष्ण, क्या पूर्व जन्म में हम चार काम करें तब इसी जीवन में ठाकुर के नाम निकलेगा। पहला काम है कहते अहो बत सपोच अतो गरियार जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। कहते वो चंडाल क्यों नहीं हो, अगर भगवान के नाम जप कर रहा है उसको क्या समझो, कहते ये समझो उसने पूर्व जन्म में चार काम करके आया। अब अभी ध्यान दो, मैं कल पूछूंगा चार काम किया है। पहला है पूर्व जन्म में सारे तपस्या उसने करके आए, दूसरा काम सारे तीर्थ में उसको घूमना हो चुका है, चौथा काम सारे यज्ञ उसने करके आए, तीसरा जो चौथा है पूर्व जन्म में सारे तपस्या करके आए, दान तपस्या तीर्थाटन और यज्ञ। अगर पूर्व जन्म में ये चार काम अगर कोई करके आया तो भगवान का नाम बोले जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब पूर्ण जिह्वा में नहीं बोले जिह्वा की अग्र में तभी उसका नाम होगा। अगर पूरा जिह्वा में कोई ठाकुर का नाम करता है समझो तो वो इतने पुण्यात्मा है, इतने पुण्यात्मा है जो सोच नहीं सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भगवान के नाम जप करते हैं कत क्षण क्षण में सारे तीर्थ में नहा रहे हैं, क्षण क्षण में सारे यज्ञ कर रहे हैं, क्षण क्षण में सारे दान कर रहे हैं, हैं? जो भगवान की नाम जप करते हैं। देखो तो यहां कहते हैं जो जिह्वा में ठाकुर का नाम करते इतना पुण्य, अगर दो कानों में जो ठाकुर की कथा सुनते हैं बोले और बड़ा पुण्यात्मा है, बोले दोनों आंखों से जो ठाकुर को दर्शन करते हैं बोले और बड़ा पुण्यात्मा है, बोले दोनों हाथों से जो ठाकुर को सेवा करते हैं बोले और भी बड़ा पुण्यात्मा है, और भी बड़ा पुण्यात्मा है। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें, ठाकुर जी के नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना, ठाकुर जी की नाम करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाओ सबके, सब बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सब बोल रहे कि नहीं, जो नहीं बोलेगा ना सारे पाप सबका पाप उसको सर पर जाएगी, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोली, आप बोले मैं सुनूंगा जोर से, और जोर हरे राम राम राम, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री जब वाल्मीकि को बोले दश रत्नाकर को बोलो राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले तू मरा बोल तो सकते हो, बोले हाँ मरा तो बोल सकता हूँ। आप लोगों बोलिए सबके सब, बोला मरा मरा बोलिए सबके सब जोर से, देना वो अपने आप बदले जाते हैं, मरा मरा बोलते ही अपने आप राम नाम हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुजन मनवाई। इतने ठाकुर जी के नाम की प्रभाव, दस रत्नाकर जैसे वाल्मीकि बन गए। रामायण देखे होंगे ना, प्रभु राम आने से पहले वाल्मीकि सब अपना दिव्य दृष्टि से देख चुके थे और रामायण उन्होंने लिख चुके थे, और उन्होंने लव कुश को बढ़वाया और ये लव कुश जा करके प्रभु राम दरबार में राम को राम की कथा सुनाई। इतना प्रभाव भगवान के नाम से, ठीक है ना। इसलिए श्री नारद जी के ये एक चले हुए जो रामायण लिखे, दूसरा चला हुए बोले कौन, बोले श्री व्यास। इन्होंने क्या किया, बोले भागवत ग्रंथ को रचना की, जिस ग्रंथ को अभी हम बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इनका दो चले ऐसे दो ग्रंथ लिखे है ना जो हमारे केवल हिंदू नहीं सारे धर्म के लिए एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए हमारे सनातन धर्म जैसे दुनिया में धर्म नहीं,
अब दूसरे धर्म में देखो, केवल कहीं एक कुरान मिलेगा, कहीं एक बाइबल मिलेगा, इतना और कुछ मिलेगा? क्रिश्चियन का एक बाइबल और मुसलमान का एक कुरान, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में देखो कितने ग्रंथ हैं, चार वेद है, ऋग यजु श्याम अथर्व, चार वेद है, फिर 1100 उपनिषद है, और रामायण जैसे ग्रंथ है, पंचम वेद श्री महाभारत जैसे ग्रंथ, जिसमें भगवत गीता, जिसमें भगवत गीता जैसे ग्रंथ में, और 17 पुराण जिसमें, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ। हमारी धर्म में जितने भक्ति की, इतना विस्तृत रूप में वर्णन है ना, और किसी धर्म में इतने वर्णन है ही नहीं, इतने विस्तृत रूप में वर्णन नहीं। इसलिए आप कभी वृंदावन में जाओ, वहां पर देखना, अंग्रेजियों को देखना, है, हम तो हिंदू है, अंग्रेज लोग भी देखना तिलक लगाए, गला में तुलसी कंठी। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हो? वहां पर अंग्रेजी मंदिर में जाना, देखना कैसे वो लोग गला में कंठी माला तिलक, वो क्रिश्चियन होकर के मुसलमान होकर के सारे हमारी हिंदू संस्कृतियों को वो सबके सब अपना रहे हैं। वो लोग भी स्वीकार करते हैं ये सनातन धर्म में जितने विस्तृत रूप में ये भक्ति की व्याख्या है, और किसी धर्म में इतना बड़ा नहीं। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो भारत में हिंदू घर में, फिर कोई अगर ब्राह्मण घर में जन्म हो, फिर तो कहना क्या है, क्योंकि वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण गुरु है। इसलिए भगवान को बताया, नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण कौन है? बोले ये ब्राह्मण का देवता कौन है, नम ब्रह्मण देवाय, भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण का देवता भगवान कृष्ण है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भगवान की चौथा अवतार क्या? नर नारायण है, जो नर नारायण रूप में भगवान बद्रिका धाम में तपस्या कर रहे। बोले यहाँ प्रश्न है, बोले तपस्या तो जीव करता है, लेकिन ये नारायण क्यों बैठकर तपस्या कर रहे? देखो इसका क्या कारण है। बोले कारण है, एक दिन श्री नारद जी, यहां से बद्रीनाथ कितना दूर है, बद्रीनाथ यहां से कितना किलोमीटर? 200-250 किलोमीटर। देखो इनकी कथा सुनो, ये तपस्या क्यों कर रहे हैं। बोले एक दिन श्री नारद जी इसी मरते जगत में आए, सबको पास में गए और सबसे पूछे, ठीक ठाक हो? सब तो सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछे है ना, देखा ये संसार में कोई भी ठीक नहीं, कोई ओके नहीं, सब रंग है, जगत में सबके सब दुखी है। जब नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, इतने में देखा भगवान अनंत नाग ऊपर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी चरण पलट रही थी, और सारे देवादेवी शांताकारम भुजग शयनम, बड़े सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे थे। इतने में श्री नारद जी बोले, प्रभु आप तो जगत का मालिक हो। बोले हाँ। बोले आप जो करोगे दुनिया आपसे ही सीखेंगे। बोले हाँ। बोले नारद जी सीधा सीधा बताओ ना क्या बोलना चाह रहे हो। बोले प्रभु जी, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के बगैर तपस्या के कोई भी जगत में सुखी हो ही नहीं सकते हैं, तब भी कोई जीवन में सुखी हो सकता है जब कोई भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे। आप जगत का पिता हो, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, जो छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखता है। बोले नारद, तू क्या बताना चाहते हो, सीधा सीधा तो बता दो। बोले प्रभु आप क्या कर रहे हो, लक्ष्मी को अनंत नाग पर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी आपका चरण को गोद में लेकर बैठी हुई, तीन भर आपका चरण दबा रही है, आप यहाँ मुस्कुरा रहे हो। दुनिया बोलेंगे
जब भगवान अपना लक्ष्मी को दिन भर लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को दिन भर लेकर हम भी पड़े रहे। बोले नारद जी फिर बताओ क्या करनी चाहिए। बोले प्रभु जी जब थोड़ी सी आप तपस्या करोगे ना, दुनिया आपको देखकर वो भी तपस्या करेगा। इसलिए जगत का पिता आप हो, आपको देख करके सीखेगा। बोले ठीक है नारद जी, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, लेकिन कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। प्रभु भ्रमण करते करते जब ये बद्रिका आश्रम पर पहुंचे, आप लोग गए ना बद्रिका आश्रम पर? कौन कौन गए बद्रीनाथ? कौन कौन बद्रीनाथ के हाथ उठाओ। हे भगवान, आप लोग पास में रहकर बद्रीनाथ नहीं जाते हो? हाँ, इतना पास में सारा दुनिया का लोग आते हैं, आप इतना नजदीक में नहीं जाते हो। जहां पर अलका नंदा बह रही है, जहां पर तप्त कुंड है, नर नारायण ऋषि पर्वत है, हाँ गंधमार्दन पर्वत, जहां पर बड़े सुंदर सुगंधि आ रहा है। अभी नारायण देख करके बड़े खुश हो गए, बोले यहीं पर ही भजन करनी चाहिए। लेकिन पहले यहां पर श्री शंकर जी भजन करते थे, शंकर जी का स्थान था। भगवान नारायण ने देखा शंकर जी सहज भी ये स्थान को नहीं छोड़ने वाले। वहां पर एक तप्त कुंड है, ऊपर बताना उधर से, इसलिए वहां पर एक तप्त कुंड है। रोज श्री शंकर और पार्वती स्नान करने के लिए आते थे। इतने में नारायण ने क्या कि छोटा बालक बनकर के ना वहां रोने लग गए। शंकर जी आगे आगे जा रहे थे, शंकर जी देख करके समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, ये बच्चा कहां से आएगा। पीछे पीछे माँ पार्वती आ रही थी। माता का हृदय तो उदार होता है ना, बात्सल्य होता है। देखा एक सुंदर बालक, ठाकुर स्वयं बड़ा सुंदर बालक गर्भ के ऊपर में पड़े पड़े रो रहे हैं। मैया देख करके बच्चे को गोद में ले लिया। शंकर जी को बोला आपको दिखाई नहीं इतना छोटा बालक रो रहा है? बोले पार्वती दाल में कुछ काला लग रहा है, कि बच्चा कहां से आएगा। बोले पुरुषों को तो सब काली काली लगती है, इतना छोटा बच्चा दाल में काला है, इसको मैं घर में सुला करके आती हूँ, आप चलो। मैया पार्वती प्रभु को घर में सुला करके आए। तप्त कुंड में नहा करके जब आए ना, वो कौन थे? वो स्वयं नारायण थे। जब उनको अंदर में सुलाया, ठाकुर जी अंदर से ही कुंडी बंद कर दी। जब शंकर पार्वती आए, दरवाजा खटखटाए ना, और प्रभु जी दरवाजा नहीं खोले। शंकर जी बोले देखा पार्वती, तेरे को मैं पहले से ही सावधान कर रहा था, ये दाल में कुछ काला घर में सुलाया तो उसने घर दखल कर लिया। शंकर जी ध्यान लगाए, ये कौन है? देखा ये मेरे प्रभु जी है। बोले प्रभु जी अगर आपकी यही इच्छा है ना रहने का, अब रही रहो, मैं तो और कहीं जाता हूँ। फिर शंकर जी केदारनाथ चले गए, और वहीं पर भगवान बद्री विशाल रूप में नर नारायण ऋषि रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। भगवान का वरदान है, उनको पता है ये कलयुग का जीव तपस्या कर ही नहीं सकते हैं। भगवान वरदान दिए, अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ में आए और एक बार मुझे दर्शन केवल कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूं उसका छठवा भाग का फल अपनी आप जीव को प्राप्त हो जाएगा। केवल बद्रीनाथ को दर्शन करते ही। बोले श्री बद्री विशाल की जय, जय श्री श्री राधे। इसलिए बद्रीनाथ सबको जानी चाहिए, ठीक है ना। आप बताओ कौन जाना चाहते हैं बद्रीनाथ? कौन जाना चाहते हो? हाथ भी नहीं उठा रहे, गए भी नहीं हो रहा। आप सबको हम बद्रीनाथ सबको हम ले चलेंगे, ठीक है। कहती है भगवान की ये चौथा अवतार है श्री बद्री विशाल, और भगवान की ऐसे ही भगवान ने मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि ऐसे ही ठाकुर जी 26 अवतार लिए। हाँ एक काम करोगे, आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएंगे, जो पीछे आएंगे ना वो पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएंगे और थोड़ी थोड़ी खिसक जाओ, मेरा भजन की नहीं मिलते। बोले श्री वृंदावन हरि लाल की जय। क्या क्या बोल रहे? जय जय श्री राम।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कि ब्रज समग्र मथुरा मम वृंदावन मकरंद ब्रजवन का सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद। कि राधे राधे रटतहि सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। तो आइए सभी लोग ताली बजाकर बच्चे का जो राधा और कन्हैया का उत्साह बढ़ाए। अरे गाना की दीवानी बन जाए पीछे पीछे।
प्रभु जी उसका कल थोड़ी सी दूर में रख सकते तो अच्छा है, कल हो तो थोड़ा दूर में रख पाऊंगी, तो वो आवाज यहाँ तक नहीं आई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब श्री सुत गोस्वामी सारे अवतारों का नाम ले रहे थे, उन्होंने बीच में भगवान कृष्ण का भी नाम को ले लिया, ले करके सुत गोस्वामी डर गए। बोले क्यों? बोले भगवान जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है। फिर भगवान कृष्ण कौन है? ध्यान देकर सुना। इसलिए भगवान कौन है? बोले ये अवतारी। अवतारी का मतलब क्या? जिनसे सारे अवतार आते हैं, ये मूल है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले कृष्ण कौन है? बोले ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है भगवान, ये कृष्ण जो सोलो कला में जो परिपूर्ण है। और जितने अवतार हैं कृष्ण का कोई अंश है
और कोई अंश का अंश है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, हे अर्जुन जब जब इसी जगत में धर्म की हानि होने लगती है तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं युग युग में अवतीर्ण होकर के धर्म को रक्षा और दुष्टों को विनाश करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण, आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, ध्यान देकर सुनो इतनी सी बात, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था भगवान ने क्या किया, विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूं, जिनको तू सोच रहे ना मारने वाले वो पहले से ही मार चुका हूं, निमित्त मात्र भव शब्द साची, केवल तू निमित्त बन रहे हो, देखो मैं कौन हूं। इसलिए भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया और कृष्ण कहते हैं बोले मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़कर के जगत में कोई परतत्व है ही नहीं, कोई परतत्व मेरे से छोड़कर के नहीं, इसलिए भगवान विराट रूप दिखाया। देखो जगत में कितने देवता है, 33 करोड़ देवता है। ये ध्यान थोड़ी सी बात को अच्छे तरह से समझो, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, जगत में 33 करोड़ देवता है, अगर दिन में 1 करोड़ देवता को पूजा करते हो महीना में कितना करोड़ देवता होगा, 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह गए ना, जगत में कितने को मनवाओगे, आज इसको मना लिया दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन मुंह फुलाकर बैठ गया, दूसरे को मनाया तीसरा व्यक्ति बिगड़ गया, तीसरा को बुलाया चौथा व्यक्ति बिगड़ गया। इसलिए कृष्ण गीता में कहता अर्जुन में देखो मैं कौन हूं, जिसको तुम शंकर जी कहते हो देखो वो शंकर मेरे अंदर में विराट रूप देखे ना, जिसको तुम राम कहते हो देखो राम में, हरि बोल, जिसको तुम कहते हो श्री हनुमान जी देखो हनुमान मेरे में, जिसको तुम माता जी कहते हो देखो माता जी मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण गणेश कहते हो देखो ये सबके सब मेरे अंदर में, देखो इतनी सी बात समझो, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक पेड़ है, पेड़ का जड़ में जैसे पानी डालने पर क्या होगा, पूरा शाखा प्रशाखा में अपने आप पहुंच जाता है। अगर कोई पेड़ का जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको पत्ते में पानी डालते रहे, उसका फल में पानी डाले, उसको टहनिया में पानी डाले, बचेगा वो, बचेगा पेड़, वो बच नहीं सकता। लेकिन कहीं भी पानी देने का तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन उसका जड़ में पानी दे दो क्या होगा, पूरा पेड़ में हरी भरी हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है, देख मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं। इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन तू सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। अर्जुन कहता है आप कह रहे हो सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, इतना दिन तक जिनको पूजा पाठ किया वो नाराज नहीं हो जाएंगे, फिर वो बिगड़ जाएगी तो मेरे ऊपर में। देखो दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, बोले अहम त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सारे पाप से मैं तेरे को मुक्त करा दूंगा, क्यों कद विश्व ब्रह्मांड मेरे से ही नहीं लिए हुए, मेरे बगैर जगत में कोई है ही नहीं। हाँ जैसे अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, उसने किसको जल मंत्री बना दिया, किसको अग्नि मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको वित्त मंत्री बना दिया, वो सबका अलग 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 नौकरी दिया है, सबका अलग अलग नौकरी दिया। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं किसको मैंने विद्या का मंत्री बना दिया, बोले कौन है सरस्वती, किसको मैंने अग्नि मंत्री बना दिया ये अग्नि, किसको मैंने वायु मंत्री बना दिया वरुण, किसको मैंने जल मंत्री बना दिया इंद्र, कभी जितने 33 करोड़ देवता है ना, मैंने इनको एक एक पोस्ट मैंने देख करके रखी, तेरी ये नौकरी तेरी ये नौकरी तेरी ये नौकरी। जैसे नरेंद्र मोदी की शरण में कोई आ जाए, अगर इन सबको पता चले कोई वित्त मंत्री कोई धन मंत्री कोई विद्या मंत्री भैया ये नरेंद्र मोदी की शरण में गया, ये सबके सब तुम्हारी अनुकूल हो जाएंगे, फिर तेरे पीछे कोई नहीं लगेगी, क्योंकि पता अगर इसको पीछे लगे ना हमारा नौकरी जाएगी। कहते उसी तरह जब कोई ठाकुर जी की चरण में कृष्ण शरण में आ जाए, इसलिए कहते हैं ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा
ताप पर कृपा आप बताओ करे सब कोई। जब भगवान की कृष्ण शरण में आ गए ना, ये जितने देवा देवी है ये सबके सब तुम्हारी अनुकूल बन जाएंगे। कोई शनि तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, कोई मंगल ग्रहण आक्रमण नहीं करेगी, कोई रवि तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। क्यों? उनको पता चलेगा ये हमारी प्रभु को शरण में गए। अगर इनकी शरण में नहीं आए ना, सारे 33 करोड़ देवता तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, कोई भी तुम्हें रक्षा नहीं कर सकते। हाँ देखो, जिस समय श्री हनुमंत लाल को मेघनाद ने बांध करके ले गया लंका में, अब टीवी देखे होंगे, जब उन्होंने रावण को सामने हनुमान को खड़े कर दिया, रावण की ऐश्वर्य को देख करके हनुमान दंग रह रहा था। उसने देखा उसको पिताजी उसको घर में झाड़ू लगा रहा है, उसको पिता घर में झाड़ू लगा रहा था। देखा अग्नि को बोले कपड़ा धुल रहा था। ब्रह्मा को देखा उसको घर में वेद मंत्र पढ़ा रहा था। आप देखे होंगे जितने ग्रहों को चारों तरफ में, आप टीवी देख लेना, उसमें सारे ग्रह नक्षत्र को बांध करके घर में रखा, और काल को तो प्यार को नीचे दबा करके बैठा हुआ था। हनुमान जी ने देखा बाबा रे क्या पराक्रम, सारा देवता को बांध कर रखा था, लेकिन केवल एक व्यक्ति को खुश नहीं किया तो पूरा लंका जल करके राख बन गया। किसको खुश नहीं किया? केवल प्रभु राम की शरण में नहीं गया, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति, किसी को नहीं, केवल प्रभु राम की शरण में आ गया। कौन? बोले विभीषण। तो आने से पहले, रावण को मारने से पहले भगवान राम विजय तिलक, राज तिलक लगा दिया। किसको? विभीषण को। हाँ, जब श्री प्रभु राम विभीषण को राज तिलक लगाए ना, इतने में श्री सुग्रीव भी कहता है, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, अभी तो रावण को मारे ही नहीं और मारने से पहले आप विभीषण को राज तिलक लगा दिया। हाँ, अगर श्री रावण अगर 1% आपका शरण में आ गया तो अब तो पहले ही उसको राज तिलक लगा दिया, मतलब लंका का राजा बना दिया, फिर क्या करोगे? अगर रावण आ गया 1%, रावण को क्या दोगे? देखो प्रभु क्या कहते हैं, बोले कोई चिंता मत करो, मेरे जो अयोध्या है ना, ये अयोध्या राज्य में रावण को दे दूंगा। बोले प्रभु अयोध्या कैसे दोगे? आप तो ऑलरेडी भरत को देकर के आए हो, अयोध्या तो भरत को देकर के आए, फिर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को मैं अपना संकेत धाम दे दूंगा, अपना दिव्य गोलोक वैकुंठ उनको दे दूंगा। बोले प्रभु फिर तुम कहां रहोगे? फिर तुम कहां रहोगे? दुनिया को सब दे दिया तो तुम कहां रहोगे? भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई भी स्थान की जरूरत नहीं। बोले मद भक्ता चत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मैं तो कोई वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, किसी योगियों के हृदय में नहीं, मैं तो केवल एक जगह में रहता हूँ जहां पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी नाम करते हैं, सत्संग करते हैं, केवल मैं वही रहता हूँ। मैं तो संतों का हृदय में रहता हूँ, संतों का हृदय में। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये जो भगवान जो कृष्ण ये ऐसे के देवता है जिनकी शरण में आ जाने पर सभी की शरण में आना अपने आप हो जाता है। नहीं तो हम आज इसको पूजा कर रहे हैं, कल उसकी पूजा कर रहे हैं, वो काम नहीं बना तो बोले अमुक एक बाबा है चलो उनको पास में, वहां काम नहीं बना तो वहां पर अमुक देवी, भैया कितने को खुश करोगे? 33 करोड़ देवता है, ये 33 करोड़ देवता कितने को तुम खुश करोगे? तुम एक को मनाओ तो दूसरा मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, लेकिन भगवान के बोले एक कृष्ण को प्रसन्न कर दो, सब कुछ तुम जीवन में मिल जाएगी, धन दौलत पुत्र परिवार संसार की जितने वस्तु है वो अपनी आप भगवान कृष्ण की शरण में आने पर सबके सब आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी जब उन्होंने सारे अवतार में भगवान कृष्ण के नाम गिना दिया, सुत गोस्वामी तो डर गए, मैंने गड़बड़ी कर दी, कृष्ण को भी बोल दिया ये एक अवतार, ये अवतार है नहीं, ये तो मूल भगवान है जिनसे सारे अवतार। फिर उन्होंने दूसरे श्लोक उनके लिए लिखे, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यति युगे युगे। बोले हे सौनकादि ऋषियों, मैंने अभी जिनों का नाम लिया है ये कोई कृष्ण का अंश के अंश के अंश कोई कला और विकला, लेकिन ये जो कृष्ण है
ये कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ये भगवान कृष्ण जो सोलो गला में जो परिपूर्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न करते हैं, बोले हे सुत गोस्वामी, जैसे यहाँ पर हमारे भैरव प्रभु जी भागवत कथा निर्मला भी कथा कर रहे हैं, जैसे किसको निमंत्रण दे भैया भागवत कथा होगी अब लोग आना, किसका अगर छोटी मोटी कोई बिजनेस दुकान वकान होगा ना काम, बोले भैया हमारे पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए, हैं हमारे पास में समय नहीं। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय भारत नहीं उसी समय संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे, पृथ्वी एक ही था पहले। लेकिन इन्होंने सात सात दिन तक एक जगह पर बैठकर कथा कैसे सुनी, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। और श्री सुखदेव गोस्वामी ये कैसे बता, एक घर में एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय ही कोई टिकने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जगह पर बैठ करके सात सात दिन तक कथा कैसे सुनाई, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। और श्री व्यास देव ने फिर ये भागवत कथा को रचना क्यों किए उन्होंने, इसका क्या रहस्य है? इसलिए आप कृपा करके हमें ये सारी कथाओं को सुनाओ। इसको सुन करके सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, पर ये भागवत क्यों बनाए, परीक्षित महाराज कथा क्यों सुने, सुखदेव गोस्वामी क्यों सुनाए, फिर उन्होंने विस्तृत रूप में ये भागवत कथा सुनाते हैं। बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय जुग पर जाए प्यास पराशर द्वकी तासप्याम कलयारे। बलिए व्यास देव कौन है? बलिए व्यास नारायण स्वयं भगवान की ये सत्यावेश अवतार श्री व्यास देव कहते। इनकी जन्म कैसे हुई? इनके पिताजी का नाम था श्री पराशर ऋषि। एक दिन पराशर ऋषि जमुना पार करते हुए आए थे, जब वापस जा रहे तो हो गया था सांप, जो केबट नदियों को पार करवाया करता था वो सो गया विश्राम कर रहा था। उसकी घर में एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती, बहुत ही सुंदर थी। बोले ये सत्यवती जन्म कहां से हुई? बोले एक मछली की पेट से। बोले भैया ये मछली की पेट से बच्चे कहीं जन्म होते हैं? ये मछली की पेट में कैसे आई? बोले एक समय एक गंधर्व वो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था, इतने में उसका बीज स्खलित हुई और एक स्वर्ग की एक अप्सरी वो ऋषि की अभिशाप से वो मछली बनी हुई थी। वो मछली ने वो बीज को पान कर ली तो ये केवट ने पकड़ा मछली को, जब उसको पेट को फाड़ा ना देखा अपूर्व सुंदर एक लड़की निकली। इसलिए पहले इनका नाम था मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा पहले नाम थी। इसलिए आप महाभारत देखे होंगे, जब शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए गए इनके रूप में कैसे आकृष्ट हुए, क्योंकि पराशर ऋषि की वरदान से फिर ये हो गई जोजन गंधा। एक जोजन तक इसके शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलता था, क्यों? पराशर ऋषि के आशीर्वाद से। जब ये पराशर ऋषि अभी उस पार में जाएंगे, उन्होंने जोर जोर से पुकारे, कोई हो तो मेरे को नदी पार करवा दो। केवट ने कहा बेटी जाओ, संत आए हैं उनको नदी पार करा दो। जब सत्यवती नदी पार करा रही थी, वो बीच में था एक टापू, वहीं पर नाव लगने पर वहां पर कोहरा कोहरा हो गई और श्री पराशर ऋषि अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सत्यवती को दर्शन की, करते ही वो गर्भधारण उसी समय में की और उसी समय उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिए। ये कौन है? श्री व्यास देव। बोले श्री व्यास भगवान की जय। इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वई पायन वेद व्यास। बोले कृष्ण मतलब देखने में काले रंग के थे, वेद मतलब वेद को जिन्होंने विभाजन की, व्यास मतलब होता है जो विस्तार की है। अभी सर्वप्रथम एक वेद था, एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित की, फिर उन्होंने उपनिषद को रचना की, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को बनाया, उसको बाद में फिर 17 पुराण बनाया, फिर देखा स्त्री शूद्रों को
ये वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद उन्होंने महाभारत को रचना की। लेकिन ये सारे ग्रंथ को रचना करते हुए भी उनको कोई शांति हृदय में नहीं मिल रही। एक दिन भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आते हैं, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा लगता है तो बड़े दुखी हो। बोले गुरु जी आप सही बता रहे हो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने जीव कल्याण के लिए मैंने इतने सारे ग्रंथों को हमने रचना की, लेकिन मेरे को अंदर से आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। तब नारद जी कहा व्यास तुमने बोले जथा धर्म दय सारथा मुनि पर तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो ये नारद जी क्या कह रहे हैं। बोले तुमने अलग अलग पुराण में अलग अलग देवा देवियों की महिमा तुमने गाए हो। जहां तुमने शिव पुराण रचना की, बोले दुनिया की हर्ता कर्ता कौन, बोले सत्यम शिवम सुंदर। जब तुमने देवी पुराण को रचना की, बोले तुमने क्या वर्णना, क्या माँ देवी सब कुछ, माँ देवी ही सब कुछ। जब तुमने ब्रह्मा जी की महिमा गाई, बोले ब्रह्मा ही तो जगत को सृष्टि करने वाले, वही तो देवता का पूज्य है। जहां पर तुमने गणेश जी की महिमा गाई, वहां पर इतने गणेश जी की महिमा गाई, सबसे पहले इनकी पूजा होनी चाहिए। बोले देखो अगर ये सारे ग्रंथ को कोई पढ़ लेगा ना, फिर तो समझ नहीं पाएगा मुझे क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और भविष्य में ये सब ग्रंथों को पढ़कर सब झगड़ा करेंगे आपस में, सब लोग झगड़ा करेंगे सबके सब। वो बोलेगा ये बड़ा, वो बोलेगा ये बड़ा, वो बोलेगा ये बड़ा, तुमने जो काम किया है। बोले गुरु जी आप ही बता मुझको क्या करनी चाहिए। बोले बेटा, बोले जथा धर्म दयाचारथा मुनि बर्ज्यानुकीर्तित, तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने बढ़ा चढ़ा करके तुमने बताया, लेकिन जीव का जो असली धर्म है ना तुमने नहीं बताया, इसलिए तेरे को शांति नहीं मिल रही। इतना ग्रंथ तो तुमने बना दी, जब दूसरा को शांति नहीं मिलेगा तुमको कैसे शांति मिलेगी। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले जब तक भगवान कृष्ण की वासुदेव की महिमा को तुम नहीं गाओगे जीव का कल्याण होने वाले नहीं। केवल जीव का कल्याण है जब भगवान कृष्ण को राम को नारायण को भक्ति करेगा, क्योंकि जितने 33 करोड़ देवता हैं भगवान इनको अलग अलग नौकरी में नियुक्त किया है। इसलिए आप देखो हम जीवन में जिसको पूजा करना करो, जिसको भक्ति करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, इतना बात को समझ लो,
जब अंतिम समय आएगा जब हमें चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, बताओ क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? बोल आप लिख बोलो, जोर से बोलो, बोलो जोर से, यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबको बात झूठा है, यही करते थे ना। जितने तुमने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया वही सच, और तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में जीवन बिताया, सब झूठे में, जितने पूजा किया सब झूठे में बिताया, क्योंकि अंतिम समय में यही नाम ही साथ में जाने वाले हैं और कुछ भी जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा गाती है पायो जी मैंने, बोला आप उसको बाद में क्या, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, मीरा मैंने गाती है पायो जी मैंने राम रतन। इसलिए सबको इज्जत करो, सबको सम्मान दो, किसी को असम्मान नहीं देनी चाहिए। लेकिन हृदय में है ना, जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई है, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, सबका सम्मान करो। उदाहरण दिया, जैसे घर में जब एक लड़की शादी करके आती है, जब घर में एक लड़की शादी करके आती उसको पति भी होते हैं, उसको जेठ भी होते हैं, उसकी ननद भी होती है, उनकी सास भी होते हैं, उनकी देवर भी होते कि नहीं, लेकिन वो सबका सम्मान करती, सबका सम्मान करती, लेकिन अपना हृदय में किसको बैठाती, बताओ हृदय में किसको बैठाती, पति को, हृदय में और किसको स्थान नहीं देती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा घर में हो गई ना, वो फिर किसको लेकर के अलग हो जाती है, किसको लेकर के अलग हो जाती है, वो पति को लेकर फिर अलग हो जाती है। तो उसी तरह हृदय में तो भगवान को बैठा है, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, जैसे गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध इस, मन दस बीस नहीं, मन तो केवल एक है, और एक मन को एक को दे सकते हो, दूसरों को नहीं दे सकते हो। सबका सम्मान करो, लेकिन हृदय में भगवान कन्हैया को बैठाओ, भगवान कृष्ण को हृदय में बैठाओ। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तब श्री नारद जी व्यास को समझाते हैं, अभी ये भागवत ग्रंथ रचना करो जिसमें भगवान की, कृष्ण की, राम की, नारायण की शुद्ध रूप में इनकी कथा सुनाओ और इनकी भक्तों का कथा गाओ, आत्मा को तुमको शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। फिर नारद जी ने क्या बताए थे, बोले देखो संसार करते 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 जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना, हाँ एक दो माला भगवान की कर लेना, भजन कर लेना। तब श्री नारद जी कहते व्यास जी ये संसार ऐसे है ना, ये संसार ऐसे एक चीज है, एक समस्या आए सोचते हैं एक समस्या दूर हो जाए फिर तो शांति मिलेगी, देखना सामने दो समस्या, कोशिश करते दो समस्या का दूर कर फिर आनंद मिलेगी, सामने चार ही समस्या। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से, प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए, बचपन से प्रभु की भजन करनी चाहिए। तब से नारद जी एक कथा सुनाए, बोले देखो आप भी ये ध्यान देकर कथा को सुनो, बोले एक समय नारद जी ये मरते जगत में आए और सबको पास में गए, बोले सुखी हो, हाँ सर तो हिलाया, लेकिन अंदर की बात पूछा देखा कोई सुखी नहीं। नारद जी वैकुंठ में गए, देखा वैकुंठ पूरा खाली। नारद जी बोले प्रभु ये जगत में सारे जीव दुखी दुखी, कुछ ले आओ ना लोगों को, कोई चंदन घिसेगा तुम्हारे लिए रसोई बनाएगा, कोई फूल की माला बनाएगी, ये वैकुंठ पूरा खाली खाली। भगवान नारायण बोले नारद जी मैंने 24 बार अवतार लिया इनको लाने के लिए, लेकिन ये संसार छोड़कर कोई भी आना नहीं चाहते। नारद जी बोले प्रभु को मेरे को विश्वास नहीं। भगवान नारद जी को बोले जाओ तुम जा करके जितने जीव मिलेगा ना उसको पकड़ करके ले आओ। बोले प्रभु जी आज ये वैकुंठ जो खाली पड़ा हुआ आज ही वैकुंठ में भर दूंगा, सबको लेकर के आ जाऊंगा। नारद जी बिना बजाते बजाते आए, देखा एक किसान भैया जेठ के महीना में खेती कर रहा था, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, बोले ये तो जरूर जाएगा, इतना कष्ट उठा रहा है ये जरूर जाएगा। बोले किसान भैया पूरा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, ठाकुर जी बोले
जितने जीव मिले पकड़ करके ले आओ। बैकुंठ चलोगे? बोले बैकुंठ चलोगे? मेरे बीवी बच्चे परिवार, हम खेती कर रहा हूँ, गेहूं होगा, संसार पालूंगा। बोले बैकुंठ चलो, अपना रास्ता देख, खुद का काम नहीं, दूसरा का काम नहीं किया। फिर और थोड़ी दूर गए, देखे कि माता जी कुएं में पानी भर रही थी। बोले माता जी बैकुंठ चलोगी? बोले बाबा घर में अभी मैंने रोटी बना करके आई हूँ, अभी कुएं में पानी लेकर के फिर सब्जी बनाऊंगी, फिर अपना संसार सबको रोटी खिलाओ। बोले बैकुंठ चलो, हमारे पास में कोई समय नहीं। अभी जिसको पूछे है ना, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। बैकुंठ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। बोले ठाकुर तो सही बता रहे थे, ये कोई बैकुंठ जाना नहीं चाह रहा है। देखा एक 80 साल के एक वृद्ध घर को सामने बैठे हुए। बोले ये तो जरूर जाएगा, संसार का सारे काम खत्म हो गया, ये तो जाएगा। बोले बाबा आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके बैकुंठ ले आओ। बैकुंठ चलोगे? बोले हाँ जाने का तो इच्छा है, लेकिन केवल एक काम बाकी रह गई। बोले कौन सा काम? बोले बेटा की शादी केवल बाकी रह गई, लेकिन अभी सगाई हो चुकी है, अभी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं बैकुंठ चलूंगा। नारद जी देखे अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुए, कम से कम एक व्यक्ति हाँ भरा है। नारद तो उसको पीछे पड़ गए। बोले कब आऊ? बोले कुछ दिन में बेटा का शादी हो जाएगी, फिर बैकुंठ चलूंगा। नारद जी कुछ दिन बाद में आए। देखो संसार का आसक्ति क्या है, ये दुनिया कैसे है माया, इसमें यही चीज समझा रहे हैं। नारद जी आए, बोले क्या बेटा का शादी हो गया? बोले बाबा आपकी आशीर्वाद से बढ़िया से शादी हो गई, और घर में जो बहू आए ना बड़ी सुशीला है, बड़े पति और सास ससुर की सेवा करने वाले, बहुत अच्छी बहू आई। बोले फिर चलो बैकुंठ चलो। बोले बाबा मन में एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले बहू अभी गर्भवती है, कुछ दिन बाद में एक बच्चा देने वाला, एक नाती होने वाला है, केवल नाती का मुंह देख करके सीधा चलूंगा, और कोई इच्छा नहीं। नारद जी बोले पहले बोल रहे थे बेटा का शादी हो जाए, और कह रहे अभी नाती का मुंह देख करके जाएंगे। बोले कम से कम हाँ तो भरे। नारद जी फिर कुछ दिन बाद में आए तो देखा कैलाश है ही नहीं। बेटे को पूछा पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हाय रे, इतना कष्ट में एक चेला बनने वाला था, वो चेला भी सिधार गया। लेकिन नारद जी देखा ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया, इसी घर में किसी ना किसी रूप में उसने जन्म लिया है, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जम जम व्यापी शरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाविभावितः। ये कृष्ण कह रहे बोले अर्जुन मरते समय जीव जैसे चिंतन करते 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 प्राण त्याग देता है, उसको ठीक वही से जन्म लेता। बोले ये संसार में आसक्ति था, ये संसार छोड़कर कहीं भी नहीं गया, अभी ये घर में किसी ना किसी रूप में जन्म लिया। ध्यान लगा करके देखा घर में कुत्ता बनकर के आया, घर में कुत्ता बनकर के आया। नारद जी बोले कैलाश तुमने कुत्ता बन गया, अभी तो बैकुंठ चल। बोले गुरुजी क्या बताऊं, ये जो बेटा इतने नालायक है, देखो ये जितने जमीनी जायदाद देख रहे ना, कितने कष्ट करके मैंने कमाया ये मेरे को पता है। ये रात को सो जाता है, कोई चोर आकर के कोई सामान को उठा करके ले जाएगा, उसको ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैंने कुत्ता बन करके रात भर भो 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 करता रहता हूं, जैसे कोई यहां आकर उठा करके नहीं ले जाए। नारद जी देखे हे भगवान, देखो कितने आसक्ति कितने जोर जबरदस्त। देखो हम वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में, हम हमारे गुरु जी के आश्रम मथुरा में, वहां पर जो सबसे बड़ा पैसा वाला था, मथुरा के सबसे बड़ा जो पैसा वाला था, उसने एक घर में कुत्ता बन करके आया, और उसने बेटे को स्वप्न दिया। बोले बेटा मैं अमुक स्थान पर मैं कुत्ता बन करके आया हूँ, मेरे को खिलाते नहीं पिलाते नहीं ठीक से, ये न्यूज पेपर में आया था, इसलिए बेटा हमको वहां से लेकर के आओ। उसने स्वप्न देखा, उसने उसको ख्याल नहीं दिया, पता नहीं क्या होगा। फिर दो दिन दूसरे दिन फिर स्वप्न आई। बोले बेटा मैंने तुमको बताया मैं अमुक घर में मैं कुत्ता बन करके आया हूँ, अभी मैं कुत्ता बन करके वहां पड़ा हुआ, बेटा मेरे को यहां से ले जाओ, मेरे को ठीक से देखभाल ही नहीं करते। सचमुच से वहां पर गया, अपना मैया को बोले माताजी मेरे पिताजी के स्वप्न आया है।
दो दिन मेरे को ऐसे सपना आया, चलो हम चलते हैं जहां घर देगा सचमुच से वहां कुत्ता बन कर गया, कुत्ता है। फिर उसको घर में लाया और अपना एसी घर में, वो कुत्ते को एसी घर में रखता था क्योंकि मथुरा के सबसे बड़ा ज्यादा पैसा वाला वो व्यक्ति था। आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती होती है। फिर बोले तुम अभी तो चलो, बोले बच्चा थोड़ी सी हो नहार बन जाए। फिर कुछ दिन बाद में आया, देखा कुत्ता भी मर चुका हुआ। बोले देखा फिर कहाँ गया, ध्यान लगाया देखा घर में बैल बनकर गया, खेती कर रहा है। बोले कैलाश अभी तो चल, तू बैल बन गया अभी तो चल। बोले गुरुजी ये जितने जमीनी जागात है ना, इसको मैंने कमाया, ये थोड़ी सी खेती करके ना सब छोड़ देता है। मैंने कितने कष्ट करके कमाया ये मेरे को पता है, ये छोड़ देता है, इसको जोर जबरदस्त लेकर के हमें खेती करना पड़ता है। गुरुजी थोड़ी सी बच्चा थोड़ा हो नार हो जाए। फिर नार भी चले गए, कुछ दिन बाद में आए देखा बैल भी शरीर छुड़ा हुआ होता है। फिर उसने आए तो देखा बैल भी नहीं, बल्कि गया कहा। नारद जी ध्यान लगाया वो सांप बन करके आया। बोले कहां पर, आपको पता होगा पहले पहले युग में लोग क्या करते थे, कलसी में सोने चांदी को रख करके बाग में बगीचा में गाड़ देते थे, बगीचा में गाड़ देते थे। लेकिन उसने कहां गाड़ा उसको पता है, वो अपना बेटे को नहीं बताया था। वहीं पर एक सर्प बन करके वहीं पर बैठा हुआ, किसी को वहां आने नहीं देता है। बोले नारद जी देखा अभी तो ये जाने वाला नहीं, बोले जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ठंडा नहीं होगा। इसका पीछे मैंने 3 जन्म तक भ्रमण किया है। उसको बेटे को बुलाया, बोले इधर आ, तेरे पिताजी कुछ कलसियों में कुछ सोने चांदी गाड़ कर गया है, लेकिन वो बताया नहीं। उसको पर एक सर्प बैठा हुआ, देख बेटा डंडा लेकर का उसको जान से नहीं मारना, केवल कमर तोड़ देना। फिर लाया, बड़ा खुश होकर के देखा सचमुच एक काला सर्प बैठा हुआ, मारा उसको और कमर टूट गई। सांप का कमर टूट जाने पर देखना सांप भाग नहीं पाता है, हैं? बोले उसको फेंको, गड्ढा खोदो। खुदा तो सचमुच से कलसी निकला और उसमें सोने चांदी की मोहर था। जब वो ले रहा था ना, वो सर्प आग फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों? उसकी आसक्ति थी। हाँ देखो आप लोग बोलोगे यार सिर्फ गप्पे हैं, मैं आपको शाम को जब यहाँ बैठोगे ना मैं एक आपको चीज दिखाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले झाड़ग्राम नाम सुने होंगे, ये मैं वहां कथा करने के लिए गया था। जब मैंने ये कथा की वहां के एक व्यक्ति मेरे को न्यूज पेपर ला करके दिखाया, कल आपको मैं दिखाऊंगा, आप लोग आना मेरे आईपैड में उस चीज को दिखाऊंगा। वो न्यूज पेपर लाया, बोले बाबा आप सही बता रहे थे। बोले क्या, वो न्यूज पेपर कल आपको दिखाऊंगा। बोले एक व्यक्ति की घर की भित्ति खोद रहे थे फावड़ा से, खोदते खोदते हठात झन करके आवाज हुई। बोले भैया ये आवाज कहां से आई, उनने खोदा तो दो कलसी निकला और उसको अंदर में एक राजा का नाम लिखा हुआ सोने चांदी की मोहर है। अभी दो जहरीले सर्प वो कलसी में लपेट करके बैठे हुए, किसी तरह से कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इतने में पुलिस के पास में खबर हो गई, भित्ति खोदते खोदते दो कलसी निकला जिसमें सोने चांदी की मोहर रखा हुआ। इतने में पुलिस आ गया, उसको जब्त कर लिया और जो जहरीले जो दो सर्प थे उसको एक बोरी में डाले, डाल करके 3 किलोमीटर दूर में उसको छोड़ करके आए। देखा आधा घंटा में वही दो सर्प फिर वही घूम रहे। आपको कल न्यूज पेपर में आज शाम को यहाँ बैठोगे ना, आज शाम को आपको मैं दिखाऊंगा, आप पढ़ करके सुनाऊंगा कौन सा गांव और कहां कहां पर न्यूज पेपर में आया था। मतलब ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती आसक्ति होती है, जन्म जन्मांतर तक हम भटकते रहते संसार में। इतने में नारद जी बोले क्यों अभी भजन कर गए, बोले गुरु जी अभी मैं भजन करूंगा, इसको पीछे मैंने 4 जन्म तक भटक लिया है, लास्ट में अपना बेटा ही अपना कमर को तोड़ दिया, अभी मैं भजन करूंगा। नारद जी मंत्र पुत करके उसको ऊपर पानी छिड़कावा करते हैं, पानी छिड़का करके फिर दूसरे जीवन में वो इंसान बन करके आया। नारद जी उसको मंत्र प्रदान की, फिर उसको वैकुंठ लेकर गए। भगवान ने पूछा नारद जी ये बताओ, तुमने बोल रहा था ना एक दिन में पूरा वैकुंठ भर दोगे। बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, इसको पीछे तो मैंने 4 जन्म भटका, 4 जन्म के बाद में किसी तरह से उसको लेकर गया। मतलब ये जो संसार का जो आसक्ति है, इतने जोर जबरदस्ती ये संसार की आसक्ति हुआ करता है, इतने जोर जबरदस्ती। हाँ देखो अभी प्रश्न है,
हम कैसे यहां से निकलेंगे? आपको सबसे सरल उपाय बताता हूं। आप इतनी सी बात समझो, संसार में रहोगे, आसक्ति रहेगी, लेकिन ये संसार में भटकोगे नहीं। कैसे? ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, कहते कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार। महाप्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारी परिवार में सबके सब भगवान की भजन करे, गले में तुलसी कंठी हो, तिलक लगाए हो, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे अंतिम समय में जब कोई मरता है पूरा परिवार चारों तरफ में घिरे हुए होते हैं। बेटा कहता है, बड़ा बेटा बोले पिताजी मेरे को पहचान रहे हो, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। दामाद आता है बोले ससुर जी पहचान रहे हो, मैं आपका छोटा दामाद हूँ। वो क्या करता है? देखता रहता है, देखता रहता है, चारों तरफ में घिरे हुए होते हैं। अंतिम समय में उनको स्मरण करते करते अंतिम समय में त्याग देता है शरीर। इसलिए क्या होता है, संसार में बारंबार उसको आना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, अगर पूरा परिवार तुम्हारी भक्त है, सब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर अंतिम समय पर अगर उनकी आसक्ति है, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा भगवान की भक्ति होती है, घर में कोई गंदी चीज नहीं आए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कोई नहीं घर में आए, सब कुछ ठाकुर जी को भोग लगता है, घर में हरि कीर्तन होता है, शास्त्र कहता है उसका घर घर नहीं, उसका घर गोलोक वृंदावन, उसका घर गोलोक वृंदावन। क्यों? घर में सबके सब प्रभु की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अगर अंतिम समय में अपना नाती पोती पति व अपना परिवार को याद करते करते मरोगे ना, आप कभी जन्म जन्मांतर में भटकोगे नहीं, सीधा वैकुंठ जाओगे। क्यों? पूरा के पूरा परिवार गला में कंठी तिलक माला ये सब जैसे भजन कर रहे हैं, ये सबका सब ठाकुर जी की भजन करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान की भक्ति की संसार करो। अगर भक्ति के संसार करोगे तो तुम्हारी घर ही वृंदावन बन जाएगा, वो साधारण घर नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग सबके सब कहीं भी रहो भगवान की भक्ति करो, गंदी चीज को छोड़ो, छोड़ करके भगवान के नाम जप करो, भगवान की कीर्तन करो, बस घर ही वैकुंठ हो जाएगा। और मरोगे तो इनकी याद करते करते मरोगे ना, सीधा प्रभु को धाम में जाओगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतने में श्री नारद जी बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो, और नारद जी अपना वीणा उठाए और ठाकुर की कीर्तन करते करते चले गए। फिर व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए और उन्होंने गोलोक वृंदावन का दर्शन किया, श्री किशोर किशोरी के दर्शन किया, सखियों के दर्शन किया, ग्वाल वालों के दर्शन की, दर्शन करते हुए उन्होंने अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाया। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। एक भजन सुनो तो मेरे गुरु में जाओ, मेरे जो छोटा काला ब्याज है ना उसमें जो चेन है मेरे आईपैड खुल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तिहार द्वार, रे इस भान की ला मेरी ओर निहार। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीनों लोक तरण तारण वृंदावन कौन कौन जाएंगे,
सब लोग नहीं जाएंगे, कोई कोई हाथ उठा नहीं रहा, डर रहे हैं, वृंदावन पता नहीं कैसा है। तो आइए सब लोग नाच कूद भाई चलेंगे। ओ मेरे लिए भी रह के सखी वृंदावन जाऊंगे, बहुत जगह जाते हैं।